राजधानी में बढ़ता प्रदूषण दिन प्रतिदिन लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा रहा है। घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें आ रही हैं। इसी कड़ी में इंडिया गेट पर मौजूद कुछ लोगों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि बीते दिन जो प्रदूषण का स्तर था वो तकरीबन 500 दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज हालांकि उसमें थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी वो पीक लेवल पे है, यानी कि 400 जो है इक्वल लेवल जो है उसको दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है, विजय चौक के आसपास में है। आप ये देखिए साफ तौर से तस्वीरें जो है, आसमान में जो प्रदूषण की स्तर है, जो परत है, वो पूरी तरीके से नीचे की ओर आ रही है। जिस तरीके से वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि अगर जो पूर्वी हवाएं हैं वो सही समय पर राजधानी की तरफ या फिर देश भर में रुख नहीं करती हैं, तो इसी तरीके से आगे चलकर जो अगले 10 दिन हैं उसमें पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच में राजधानी दिल्ली में लोग घूम रहे हैं, आसपास में हैं, तो ऐसे में लोग किस तरीके से ये सारी चीजें देख रहे हैं, प्रदूषण का क्या असर इन पर हो रहा है वो जानते हैं। सर क्या नाम है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, अभी देखिए पोल्यूशन का जो पूरा स्तर है वो भी बढ़ चुका है, परत पूरी नीचे आ रही है, किस तरीके से इफेक्ट कर रही है? मैं एक्चुअली मुंबई से आ रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली स्टेशन उतरा तो एकदम बिल्कुल आंखों में एकदम जलन और सम लाइक स्मोकी फील कर रहा हूँ। बच्चे को भी ऑल्सो इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने गॉगल्स और मास्क उसको लगा के रखा है। राजधानी में हमेशा ये तस्वीरें देखते हैं। हाँ है, रहता है, बट अगर मैं समर में आया था तो सब कुछ ओके था, बट इस समय तो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा क्लियरली, तो हेल्थ के हिसाब से तो वेरी हार्मफुल है। देखिए मुंबई से भी लोग घूमने आए हुए हैं जिस तरीके से, और प्रदूषण काफी ज्यादा मार दे रहा है। आप सर कहाँ से आए हैं और किस क्या कहेंगे? मैं यूपी से हूँ, जिला झांसी। काफी प्रदूषण है और धुंध भी बहुत है, आंखों में भी जलन हो रही है, देख रहे हैं यहाँ सही से वो भी नहीं दिख पा रहा, इतने दूर तक देखते हैं पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो काफी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि इस पर थोड़ा नियंत्रण हो सकता है? नियंत्रण ये अपना ट्रैफिक ये दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, और यही है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है या अपना ये जो भी है चेक कराए और कम से कम करें तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल। देखिए लोगों को आंखों में जलन जैसी शिकायतें जो है वो पहले नंबर पर आ रही है, दिक्कत तो है मेरे को, तो थोड़ी बहुत एलर्जी भी है तो सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। वैसे हवा में देख रहे हैं कि हवा भी जो है उसकी धीमी गति हो गई है, ऐसे में स्किन प्रॉब्लम भी होती है, और क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें यही है, ये ज्यादा ट्रैफिक वगैरह बढ़ रहा है, इससे दिक्कत आती है, सांस लेने में भारी तकलीफ होती है, आंखों में जलन भी होती है। यही चीज हम बोल रहे हैं कि यहाँ वाहन बहुत ज्यादा हो गए हैं, और मेन चीज ये वहां जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता, और यहाँ गंदगी बहुत बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इससे और पॉल्यूशन बढ़ता है गंदगी से। ऐसे में मास्क की जरूरत भी पड़ती है, बहुत जरूरत है, मास्क लगा के ही रखना चाहिए वैसे तो, उससे नहीं तो ये कोरोना फिर आ जाएगा दोबारा से भी। देखिए राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार बहुत से ऐसे प्रयासों को कर रही है जो कि जिससे कि इस पर नियंत्रण रखा जा सके, लेकिन प्रदूषण का जो गुब्बार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रैब 3 की बात करें या फिर तमाम उन प्रयासों की बात करें जिनसे कि नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि वो ठीक साबित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच में शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें सांस लेने में, आंखों में जलन, ये सारी जो चीजें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं रिया, आर्ट और टीवी दिल्ली।